खुश हूँ और बड़ा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज आज जो हमारे शो में तशरीफ ला रहे हैं ये वो कलाकार हैं जिनका हम तब से इंतजार कर रहे हैं जब से हमने अपनी नई नई दुकान शुरू करी थी. आप इनको बाखूबी जानते हैं. ये एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्म में जब एंट्री होती थी तो लोग सीटियां और तालियां बजाते थे. बाकी कलाकार 10 डायलॉग बोलते थे, इनका एक ही भारी पड़ता था. जब ये नॉर्मल बात भी करते तो ऐसा लगता कि बड़ा भारी भरकम डायलॉग बोल रहे हैं. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दबंग आवाज, जिंदा दिली और बिंदास एटीट्यूड के लिए मशहूर, अदाकारी और कॉन्फिडेंस के बादशाह, द वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा. शत्रु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. थैंक यू. बहुत बहुत देर से इंतजार था, फाइनली आप आ गए सर, हमारा सौभाग्य है. वंडरफुल. मैं इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देख के और सामने अपने प्यारे न्यारे सिद्धू को देख के और आप कपिल शर्मा जिनके भी ताजा ताजा शादी हुई है इनकी बधाई की घड़ी में मैं ये भी नहीं कह सकता हूं खामोश. मुबारक हो. थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. अपने बड़े भाई को देख के आज सरदार खुश हुआ. और सुन लो, बताना अगर चाहते हो शत्रु भाई की उड़ान को तो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को. क्या बात है, बहुत अच्छे. देश से विदेश तक फैला हुआ है इनका जलवा. अपनी अंदाजे अदाकारी पे नाज है पूरे हिंदुस्तान. क्या बात है, क्या बात है. यानी अपने जबरदस्त, शानदार, जानदार और दमदार हमारे सिद्धू भाई के लिए ये कहा जाए तो बिल्कुल मुफीद होगा कि दमखम वही, चमखम वही, घर घाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है. वाह, क्या बात है. मार दिया नेले पे देला. थैंक यू, थैंक यू. तो आज तो दो धुआंधार प्लेयर आमने सामने हो गए, हम फिर जाएं? नहीं नहीं नहीं. सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ, हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप मुझसे कहीं नाराज हो, लेकिन मैंने कहीं सुना था सर, लिखा था कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो कपिल से नाराज है. सर मैं सूत्रों की मानता ही नहीं हूँ क्योंकि सूत्रों ने बड़ा कुछ गलत लिखा मेरे बारे में. आज आप लाइव सामने हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर. आई लव यू सर. मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ और आप पे फख्र करता हूँ सर. धन्यवाद. शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं. शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे भाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी. सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा. नहीं, नहीं, नहीं. हो सकता है. चतुर सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन. कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला? कि नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न. शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला जी. इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया या मेरी याद आई उनको कि अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है जी, दुश्मनों से भिड़ सकता है दुश्मन. उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है. क्या बात है. शत्रु सर का डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं, बहुत फैन हैं. और जब शत्रु सर फिल्मों में आए सर, आपसे पहले हिंदी सिनेमा में जितने भी कलाकार हुए, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब या देवानंद साहब, सबका एक अलग अंदाज रहा है सर. तो सर आपका अंदाज जो है, आपने
इसलिए एक स्पेशल अंदाज बनाया या आप शुरू से ही ऐसे ही बात करते थे सर? रौबदार है आपका अंदाज। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि दुनिया में अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे भिन्न सबसे अलग साबित करके दिखाओ। क्या बात, इसलिए अपने आप को बेहतर या अलग साबित करने की दिशा में मैंने वो सब काम शुरू किए जो निशाने पे तीर लग गया, क्योंकि ये अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। वाह क्या बात है। मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जो सर शायद किसी में नहीं है, शत्रु सर के जो डायलॉग होते थे उसमें ना कुछ वर्ड सर बड़े यूनिक होते थे, जैसे अबे ओ चबड़ गंजू है ना, अबे ओ अर्थी के फूल। तो सर ये डायलॉग आपको स्क्रिप्ट में दिए जाते थे या आप कुदरती आपके अंदर से निकलते थे? कई बार दिए भी जाते थे, कई बार चूंकि पंजाब के दोस्त होने के नाते, चाहे यूपी बिहार का होने के नाते, कई ये सब बातें जो हैं जो हम लोगों की वो क्या कहते हैं तुर्रेबाजियां जो होती हैं वो कई बार काम आ जाते, तो ये तुर्रेबाजी डाल देता था वहां पे, लोगों को पसंद आ जाता था। क्या बात है। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था, कौन सा? एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा, और एक था आयतुल्ला खलखली। किसपे सुनाता हूँ, पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था और मैंने इन करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझिए जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्ला खलखली हो जाएगा। लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दू दा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहर जाइए क्या कहा आपने, जलवाए जुम्बिश, आंधी बगावत, आयतुल्ला खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू भाजी, शत्रु सर चार भाई हैं, और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन, तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पर चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का ज्यादा सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो तो न्यू कमर को तो फिर वो ग्रैब करना चाहिए, फिर अल्टीमेटली तथा कथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, पिक्चर थी, तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे, सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी, जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, तीन तीन चार चार शिफ्टें करता था, तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया, और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज मैं अगर सुनाया जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जी। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे, रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था, तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था फिर भी सो रहा था। अच्छा शत्रु सर जब आप फिल्में करते थे तो तभी सिर्फ ऑटोग्राफी लेते थे लोग, आजकल झट से सेल्फी लेने आ जाते हैं, सेल्फी है। अब आप कहीं जाते हैं तो लोग जाहिर सी बात है सेल्फी लेते हैं। अच्छा सीधी फोटो लेते हैं उसके बाद कहते हैं सेल्फी, मुंह सेम ही आता है उसमें क्या अलग आता है, पर लोग सेल्फी लेते हैं। तो सर आपने हजारों लाखों ऑटोग्राफ दिए होंगे, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ आपने किसी का ऑटोग्राफ लिया हो? सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का लिया था, सोनाक्षी का। वाह। लेकिन सोनाक्षी लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये जानते हैं पहलाद नेहलानी जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और उनकी जब डेटिंग चल रही थी उनकी फियांसी,
और मैं जैसे आपने कहा रावण का रोल और विलन का रोल शुरू में करता था जी, तो मैं मुंबई साइड में कहीं पे मोटिवेशनल टॉक देने गया था, वहाँ पे वो आई थी उनकी कांतु, उनकी वाइफ, अब जो वाइफ हैं, उन्होंने आके उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया और पहलाज के साथ डेटिंग थी, पहलाज नीलानी उनको लेके आए थे, पहलाज भी मेरे बहुत बड़े फैन थे, अब हैं या नहीं पता नहीं, उस वक्त बहुत बड़े फैन थे तो उन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया। 6 महीने तक पहलाज नीलानी ने वो ऑटोग्राफ लेने वाली अपनी फियांसी से बात नहीं की कि तूने एक विलन का ऑटोग्राफ ले लिया, विलन का कहते आई थी घूमने मेरे साथ और तूने एक विलन का ले लिया ऑटोग्राफ, नहीं तेरे से बात नहीं। वैसे वो ऑटोग्राफ उन्होंने अभी तक तो बचा के रखा हुआ। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है और शादीशुदा के पीछे तो सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा शत्रु सर की धर्मपत्नी मिसेस पूनम सिन्हा जी, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। मैम आइए, कृपया यहां पे विराजमान होइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजामंद हो। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूं, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, और आपका जो स्टाइल है और उसको बखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था, शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही? मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। ये सब बनावटी बातें, घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा, सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पली मैरिड कपल, वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह भी हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कारे ब्रूटस वा, तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आते होंगे, तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। आप आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी, मैं हर बार आते आते हैं। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी, जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हैं, ताजा ताजा शादी हुई है आपकी, कि मैं पहली बार मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही एनएनसीपी जिनके पिक्चर में पहला नीलानी ने डायरेक्शन दिया,
उन्हीं एन एन सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके. गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए. और गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा रे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा. ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना इतना झेला इनके साथ. अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे. वो राष्ट्रीय कर्तव्य झेलना, शादी हो जाती है. आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी, कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी. आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर खुराना जी, बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी. ये बात सिद्धू भाई जी ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ. पाजी हर काम में नंबर वन है. सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीजा मोमेंट था समझिए. अच्छा जी. हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से. अच्छा जी. मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे. अच्छा जी. जी. और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए. तो आगे मैं जो मेरा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए. उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे, शायद स्कूल में थी उस वक्त. लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी. इनके पूरा खानदान था. उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे, थी रो रही थी. मैं रो रहा था, इसे पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था पहली बार हॉस्टल में जी. तब ये मिली थी रो रही थी, तब मैं मिला था मैं रो रहा था, आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा. क्या बात है, लव यू. तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी मैम भी, आप भी रो रहे थे. तो रो वो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो शुरुआत आपने मतलब आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार अपोज कर चुकी थी. हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी, और मुंबई आने के बीच में पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी. 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा. हालांकि छू के देखूंगा सच है कि नहीं. हाँ छू के. और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकिजा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया. डर के मारे हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल ना चला जाऊं. तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी. बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन. लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई. कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी कस्से कहानियां. लेकिन ये सुना दो एक आध. नहीं, एक घड़ी आई थी. जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी, वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं. लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है. बिल्कुल सर. और लौट के बुद्धू घर पे. कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर. अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी. कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था.
अच्छा, हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसे ऐसे? क्या बोलूं? तो ये कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैं मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है। अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी है, तो मैम इनकी और इकलौती। जी जी आ, तो मैम महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा। शत्रु भाई यार गले लग जाओ एक बार। वाकई सही बात है। और क्यों गले लगे मालूम? जी जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी। तो पुनम मैम, मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हूं तू कार चल। आपको कैसे पता लगा? मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने एक फिल्म करी थी ना सर, पुत जट्टा दे, धर्म पाजी और आप। हाँ। सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोली आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले बाद में ग्रामर। तो पहले गालियां सीख ली बाद में ग्रामर। और तू बता नहीं रही, ये अच्छा किया तूने, ये थिएटर वेटर ये सब टीवी छोड़ के ये आई तू मेन अपने हक का काम, ये ऑर्केस्ट्रा तूने ज्वाइन किया ना, वेरी नाइस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भोजपुर में काम मिल गया है। किसमें? भोजपुरी सिनेमा। पाजी मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है, पता है अगले हफ्ते मेरे गाने की शूट भी है, वो भी आउटडोर। पूरा बता। आउटडोर मैडम मतलब सड़क पे। पूनम जी गले में हारमोनियम डालकर ना सामने सफेद चादर बिछा के, गरीबों की सुनो, ये होता है इनका लाइव कलेक्शन करती है पैसों का। अब भोजपुरी सिनेमा करना आसान नहीं है, भोजपुरी आती है तुम्हें? अब भूरी को आसान कम करने में मजा कहाँ आवत है पाजी। और रही बात भोजपुरी बोलने की, तो वो मैं सर से सीख लूंगी। सर आप सिखा दोगे? बिल्कुल। तो अभी बोलो, क्रिसमस अभी हुआ ना, तो अभी बोलो, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा खेलेला, 80 साल के बुढ़वा देखो झोला लेके आवेला। तुम जैसे लोगों की वजह से शत्रु सर ने खामोश बोलना शुरू किया है। अच्छा तू ढंग का काम किया कर, वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में जोकर बनेगी 10 रुपए, बता बात करूं। कपू शर्मा। हाँ जी। हुस्न का गुलदस्ता तुम्हारे सामने खड़ा है। आए हाय। ओहो वाह। मतलब कुछ तो चक्कर वक्कर चलाओ, कब तक बातें चलाओगे? शत्रु सर जो बच्चे 14 साल की उम्र में 18 साल वाली फिल्में देख लेते हैं ना, वो फिर ऐसी बातें करते हैं। क्या है ना, मेरे इस भोले से आशिक को पता नहीं कि पटना में हमारा डांस देखकर ना लोग सिक्के उछालते हैं। सिक्के उछालते नहीं, सिक्के मारते हैं ये। और ये इतनी शानी है शत्रु साहब, ना लहंगे में ना चुंबक लगा के लेके जाती है, सिक्के आते ना ऐसे से पकड़ती है ये, और फिर धरा के झाड़ती है ना ये, तो 163 रुपए निकलते हैं पूरे।
अब तुम चुप रहोगे? मुझे सीखना है सर से कि भोजपुरी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, ओके? अरे कप्पू भैया, अब कौन आया? ये क्या पिज्जा डिलीवरी वाली से आप डायलॉग डिलीवरी करवा रहे हो? असली हीरोइनी तो इधर है। ओहो, बस बस। हाय। ऐसी होती है भोजपुरी हीरोइनी, तेरे जैसी नहीं मरेली सुकेली। कप्पू भैया, मालूम है मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा के भागी है ये। भूरी, तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं कप्पू, मैं मैं तो कहती आप इसको डांटो, अपने गेस्ट से तो मिल लेते। प्रणाम अंकल। खुश रहिए। Wonderful. कैसे अंकल? कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज वंडरफुल। थैंक यू, मेरा भाई है वो, बहुत अच्छा है। उठ उधर से, मैं इधर बैठेगी। क्यों? उठ इधर से, इधर ही बैठेगी मैं। हेलो मैम, कैसे आप? ठीक हूँ। इधर लव भी आया ना? जी। किधर है लव? वहां पर। हाय लव, मैंने सुना था लव इज ब्यूटीफुल, बट इधर उल्टा है, लव इज हैंडसम। बहुत अच्छे। थैंक यू, बहुत अच्छे लव, बहुत हैंडसम अंकल। दो चार दिन के लिए दो ना मेरे को। नहीं सपना पागल है, तो वो मैरिड है लव। मेरे को मैरिड लोग ही पसंद है। अरे मैं इसको टाल रहा हूँ, आप समझ नहीं। नहीं कुछ नहीं अंकल, वैसे मेरे को मैम कुछ तो मिल लेगी घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तेरा वाला मुकेश? मुकेश, ओ माय गॉड, मुकेश को तो मैं भूल ही गई। मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई हैंडसम लड़का देखती है ना तो मैं मुकेश को भूल ही जाती हूँ। सर आपको बता, मेरा अभी भोजपुरी पिक्चर आ रहा है। कौन सा? पति ने दिया धोखा, तू लिट्टी में चोखा। बहुत मजेदार है सिद्धू जी। मेरा ये लड़की ना उस फिल्म का स्क्रिप्ट चुरा के भाग गई। एक्सक्यूज मी सपना, मैंने कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई है, समझ में आया? डायरेक्टर ने मुझे खुद सेट पे बुलाया और रोल दिया। आप ही बताओ मैम, कौन सा डायरेक्टर अपनी फिल्म में सिर्फ पिलर जैसी हीरोइन लेगा? पिलर? अबे ओ चिल्लर। किलर नहीं, मैं किलर है, किलर। और मेरी जवानी में थ्रिलर है, थ्रिलर। तू जानती नहीं, यूपी बिहार में ना मेरी फिल्में गदर मचाती है। मेरी फिल्म ना थिएटर में आग लगा देगी। तो बता ना कैसे लगा देगी? इनके वहां पे मेला था, पीछे टेंट में पीछे बैठ के बीड़ी पी रही थी, तो कहते भाग के आ, तेरा सीन आ गया, बुझा के चलेगी और बुझी नहीं, टेंट में आग लग गई। ऐसे आग लगाती है तू? चले इसी, कोई बात नहीं है। एक कप्पू, अपनी ची बहन है, लड़की है। देख तू भी लड़की, मैं भी लड़की, मैं तेरा समझती। देख तेरे को अगर सेट पे आने का इतना ही शौक है ना, तो मेरी बॉय बन जाना तू। हाँ, एक हाथ में ऐसा जूस का गिलास, एक हाथ में छतरी, बैग रखने का। मैं बोलेगी ए छोटू कॉफी ला, तो भाग के आने का, ऐसा काम तेरे को बहुत सूट करेगा। सच्ची बोलती। ये ठुमका वुमका तेरे बस का बात नहीं है रे। देखो मैं अपने एक ठुमके से ना पूरे यूपी बिहार को हिला सकती हूँ। यूपी बिहार को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ शत्रु जी हिला सकते हैं, और कोई नहीं हिला सकता है। बात करती है, ज्यादा बकवास नहीं करना। शत्रु अंकल, हम लोग भी पटना से, पटना से। ज्यादा बोली तोरी भैंसिया का पूंछ उखाड़ कर टाई बना डालेगी मैं। बात करती है, तेरा ना ये पैर काट के चारपाई बना देगी, तू जानती नहीं मैं सपना हूँ सपना। मम्मी ना तोके कूट कूट के खटिया बनाई दे, चमड़ी उखेड़ के बना दे चटाई, भूरी है भूरी। अरे भूरी नहीं, तू कान खजूरी है केकड़ी। बात कर रही है तोहरी ननद का नालंदा, तोहरी ननद का नाला सुपाड़ा, नाला सुपाड़ा। चल बे खामोश हो जा चैनू की खैनी। हाँ
ज्यादा बकवास नहीं करना, मैं असली हिरेनी है, मैं ही असली हिरेनी है। खामोश। मैं हूँ इस फिल्म की असली हीरोइन। ये वाह, ये होती है हीरोइन। भूरी देख जरा, देख क्या ब्यूटी है, भगवान ने फुर्सत में बनाया। एक भूरी को देखो, लगता है भगवान ने खुद बनाया नहीं, वो किसी और को काम पे लगा गया कि ये बड़ा मांस, ये बड़ी हड्डियां, कुछ बना दे बनता तो। ये देखो, ये हीरोइन। फिल्म में डायलॉग नहीं भी हो ना तो भी हाउसफुल रहता थिएटर। अब तुम लोग दोनों हो ना कहीं, फिल्म टैक्स फ्री भी हो तो भी कोई ना जाए देखने। कौन सी हीरोइन है जिसके साइड लॉक होते हैं बताओ? ये कपू, क्या थर्ड क्लास लोग हैं ये, स्टे अवे फ्रॉम देम। इससे ज्यादा बेटर हो भोजपुरी फिल्मों में इंटरवल होता है। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझी? एक तो जिब्रिश में क्या क्या बोलती समझ में नहीं आता है। अरे सुनो सुनो, तुम लोग झगड़ा मत करो। हाँ। तो शत्रु साहब बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। वो लोग जज करेंगे, तुम अपना एक एक डायलॉग बोलो, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये करेक्ट है कप्पू भैया। तो बोलो वो, एक्शन चलो। ए रमेश बाबुआ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तू क्या जान बेरे। ए कलनुआ की माँ, कलुए के घर काली रात में जाके कच्चा कच कलाकंद खा गई। ऐसा नहीं डायलॉग होता है, डायलॉग ऐसा होता है जैसा शत्रु अंकल बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जली के आग कहे जाला। जली के आग कहे जाला, बुझी के राख कहे जाला, और जिस राख से बनेला बारूद, ओखरा के विश्वनाथ कहे जाला। अच्छा होता है। और एक बात बताइए कप्पू भैया। हाँ। शत्रु अंकल, आपको तो मालूम है भोजपुरी फिल्मों में 3 घंटे का पिक्चर रहता है और 24 तो गाने रहते हैं। तो डायलॉग से नहीं कप्पू भैया पता चलेगा, इनको डांस करवाना पड़ेगा। जो बेस्ट डांस करेगा अंकल, आप सिलेक्ट कर लेना। कर रहे हैं, ठीक है करो फिर। हाँ चलो बजाओ, अभी बताएगा पब्लिक बताएगी। अभी देखो, अभी प्रोड्यूसर लोग ने तुम्हारा ऑडिशन देख लिया, अभी जिसको पसंद आया होगा वो कॉल करेगा तुम्हें, ठीक है? तुम लोग निकलो यहाँ से। ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं, 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 नहीं। यूनानिमस डिसीजन है गुरु, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, सपना इज द विनर। एक मिनट, बहुत पर्सनल बातें थोड़ा। आपके डायलॉग इतने फेमस हुए पिक्चरों में। ये शाम को कह देना कि छेनू आया था। खामोश, आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम है। तो इतना सब है तो 1 करोड़ रुपया दो ना। तो पागल है क्या? जो आता है उससे पैसे मांगती है। अब जो आएगा उसी से मांगेगी, जो नहीं आएगा उससे कैसे मांगेगी। मैं मैं चलती मेरे नाम भाई को कुछ हो गया, कप्पू को कुछ हो गया। लवली कप्पू, मैं तेरे लिए व्रत रखेगी कप्पू, मेरा कप्पू ठीक हो जाएगा। कुछ तो हुआ मेरे कप्पू को। सर पागल है, आपके डायलॉग बोल रहे हैं, इनसे बोल सकते हैं? लेकिन यहाँ पे सर हमारे दर्शक हैं, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कुछ गुजरात से आए, कुछ पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से। तो शत्रु सर का आपको डायलॉग बोलना है, कोई भी डायलॉग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना है। तो सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेंगे हमारे दोस्त जी? कहाँ से आया, माइक ले लीजिए पहले। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, मैं कोलकाता से आया हूँ। खाया अच्छा पिया करो। कोलकाता से, यू बंगाली? हाँ मैं बंगाली हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम कार्तिक चंदो दे है। कार्तिक दे? यस सर। किसको दे? अच्छा जी जी जी, कार्तिक प्लीज। बंगाली अच्छो तो? हाँ बंगाली। बंगाली बोलो सर, आपने अति सुंदर बंगाली बोलते पारो। हाँ बोलो तो, तू ही बोलो। तो अपने वही डायलॉग टा मैं अखुन अपने के सुनाते चाहिए, सबाई के सुनाते चाहिए। हाँ तुम ये बोलो, हम चलते हैं। बोलो बोलो बोलो। जे जले ताकि आग बोले, आगुन बोले, आगुन निभे गेले छाई होय, जे छाई थेके बारूद होय, से बारूद के विश्वनाथ बोला होय। वाह। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।
बड़े प्यारे होते बंगाली लोग, घुमा के जो बोलते रसोगुल्ला तो मुंह से चाशनी टपकती पता। ऐसे ही मैं कभी कभी रसोगुल्ला बोलते ऐसे साफ करना पड़ता कि गिर गया, चाशनी तो नहीं गिर गई। शुक्रिया कार्तिक। हाँ सर। दे कपिल ले। कार्तिक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम माइक दे दीजिए इनको। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बोरेली मुंबई से हूँ। इधर से ही आई हैं? हाँ जी। अच्छा जी, तो आप फिर कौन सी भाषा महाराष्ट्र में बोलेंगी? नहीं। हाँ जी। सिंधी। अरे वाह, अरे बाबा सिंधी में। अरे बोलो, अच्छा हमारी सासू माँ की भाषा है। जी। जेको बरंदो आ उनके बाए चवंदा आहिनि, जेको विसामंदो आ उनके रख चवंदा आहिनि, रख मां जेको बारूद ठहंदो आ उनके विश्वनाथ चवंदा आहिनि। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर वही है, जली को आंख कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, और जिस बारूद से राख से बारूद निकले उसे विश्वनाथ। थैंक यू, यू आर वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का? अरे वाह, ग्लैमर बहुत आज शत्रु सर भर भर के आया है। जी। Hi Kapil, hi sir, hi ma'am. My father is a big fan of yours. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? Thank you sir. Fine sir, fine. आप संभल के बोलो। सर मैं करनाल हरियाणा से आई हूँ। My name is चेतना। जी चेतना। और मैं आपका डायलॉग इंग्लिश में बोलूंगी। Wow, क्या बात है। जी प्लीज बोलिए। Burning is called fire. Oh. After burning, it's called ash. Okay. And the ash that is used to make gunpowder is called Vishwanath. Vishwanath. वाह, जीती रहो भारत की बेटी। मैं अगर सीख भी लेता ना तो नहीं आता ये गन पाउडर जो बोला ना, वाह कमाल है। चेतना बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करती हैं चेतना आप? सर मैं गुड़गांव में बैंक में काम करती हूँ। वंडरफुल, बहुत अच्छा। बैंक में काम करती, इतनी इंग्लिश बोलती हैं। आपसे तो हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हम नहीं, लोग नहीं, तो... हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हूँ। बहुत अच्छी बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा साथ ना होते और बातें करता मैं। थैंक यू चेतना। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का डायलॉग बोलना चाहते? जी आइए आइए, आप बचपन वाले परेश रावल साहब वाला मुंह लेके आप शत्रु साहब का। जी क्या नाम है आपका सर? जियाउल हक, असम ग्वालपरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बताइए कौन सा डायलॉग? मेरा जो डायलॉग है वो आसामी में बोलना चाहता हूँ। आसामी में? जी जी प्लीज प्लीज। जी जले जुई है जुई नु बड़ा मजा आया। दोबारा बोलना। कितना अच्छा लगा वो जो रॉब था ना, एकदम से ऐसे मेल्ट कर दिया उन्होंने। दोबारा बोलना। हाँ, जी जले जुई है। वाओ, जुई नुमाई गले कोयला है। कोयला है, कोयला विश्वनाथ। बारूद कहे बारूदक विश्वनाथ भी कहा है। क्या बात है यार, ये भारत देश ऐसा है, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, पर मजा सेम ही है। बड़ा मजा आया यार सुन के एसएमई में। बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी बेटा। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। मैं सेम डायलॉग को तेलुगु में बोलने वाली हूँ। wow. अरे वाह, कहाँ से आई आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत है। जी प्लीज बोलिए। कालिते मंटंटारू। कामने दन मंटंटारू। కాలితే మంట అంటారు, ఆగితే బూడిద అంటారు. ఏ బూడిదతో బారుదం తయారు చేస్తారో ఆయననే విశ్వనాథ్ అంటారు. బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆప్కా షో మే బైఠియే. శుక్రియా. అచ్చా మ్యామ్ భీ కుచ్ బోల్నా చాహతీ హై. జీ జీ మ్యామ్ ప్లీజ్. మే గుజరాత్ సే ఆయీ హూ. హాయ్ హాయ్, గుజరాత్ రహ గయా తా అభీ. జీ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్. સળગાવ્યું એને આગ કહેવાય, બુઝાવ્યું એને રાખ કહેવાય, જે રાખથી બારૂદ બને એને વિશ્વનાથ કહેવાય. અરે વાહ, શું વાત છે. અચ્છા દેખ લો, ગુજરાતી ઇતની મીઠી લેંગ્વેજ હૈ કે ખતરનાક ડાયલોગ ભી ઇતના પ્યારા લાગે ના. ઈન દે વિશ્વનાથ કહેનો થારી મને ઢોકલો કહેવે. આ
आज तो भारत भ्रमण हो गया हमारा. मेनका जी बहुत बहुत शुक्रिया. भूमिका सर. भूमिका तो बताना चाहिए था ना पहले, मेरे तो फिर जो मन में आया मैं बोलूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका. थैंक यू सर. धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. वंडरफुल. अरे शत्रु सर, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां आपकी बहुत दीवानी होती थी सर. होता है सर ऐसे. देखिए आप बहुत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता हूँ सर. कभी पकड़े नहीं गए आप? हाँ ये सच है जी, कि एक बार पकड़ा गया मैं. अच्छा जी. और एक बार पकड़ा गया रेड हैंड, वो शादी से पहले नहीं. अच्छा जी. जब पकड़ा जाना चाहिए था तब नहीं पकड़ा गया. अच्छा. शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया. खैर आगे पकड़ा गया तो पत्नी ने आके जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई तो अलग है, एक आध दाग बढ़ गए चेहरे पे. लेकिन उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तुमको कि अभी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम ये सब हरकत. अभी अब इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार मैं माफ करती हूँ. लेकिन आज के बाद मुझे और किसी लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया. यार. अरे घर घर की कहानी है ये. जो पकड़ा जाए वही चोर. अच्छा नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू चीकू बेबी बोल देते हैं. शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन. सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे. शोभा डे जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं जी. दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA जी, शत्रुघ्न. मैंने थोड़ा सिंपल किया, जब FTIs निकल रहा था मैंने कहा ये नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN. मैं समझा अब कहानी ख़त्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है. भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो कैमन आशीष, शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया है. हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं ओ की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज. वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया है. अब हमारे शाम का मुख अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंह. उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं, अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख्य अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा. अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं, अभी आ गया हमारा मुख्य अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा. अरे हमने कहा कि देखो भैया ना मैं हन हूँ ना धन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ. कहता देखिए बिहारी बाबू जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है. एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहां ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सत्र महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं जनाब शत्रुमुर्ख सेना. अबे शत्रुमुर्ख सेना, अरे शत्रुमुर्ख सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ख. मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार के, धन्य है हमारा भारत देश जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करें तो. पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेलाइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं, तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जिसने भी हो, बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप. बेवकूफ ना हो तो. ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो अभी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है. सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर. हाँ, सीख जाएंगे. इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें. कितने सारे टिप्स दिए हैं? बहुत सारे सर. अब तो बूमा बूम हो जाइएगा.
मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे शत्रु सर और पूनम मैम के चश्मे चिराग लव सिन्हा वो भी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. लव प्लीज आप भी मंच पे आ जाइए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए. लव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. चलो इतने मजेदार किस्से, मुझे तो लगता है कि आपके मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे, तो आपका तो एंटरटेनमेंट कितना होता होगा घर पे? नहीं बहुत होता है, पर ये सब कहानियां मैं सुन चुका. अच्छा. लव और कुश जो हैं और सोनाक्षी, तीन बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? लव नाम के हिसाब से तो लगता है कि आपको, कि हर कोई बोलता होगा हाय लव. बहुत दुख भरी कहानी है. नाम तो लव रख दिया, पर सबसे ज्यादा प्यार सोनाक्षी को ही दिया. अरे भाई तो ये जमाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. पर ये सच्ची बात है सर, बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है. मेरे भी ना, मेरे पापा जब थे तो मेरी बहन को बड़ा प्यार से उठाना, ऐसे पैर दबाने, बेटा उठ जा स्कूल जाना, ये वो हमारी रजाई खींच लेते थे ऐसे ही, और ये भी नहीं देखते थे मुंह हमारा इस तरफ है या उस तरफ है. बड़ा अजीब से तरीके से उठता, हमारे साथ ऐसा होता था. मतलब कभी ऐसा हुआ जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका बचपन में हो जाती हैं तू तू मैं बच्चों में आपस में, तो आपका किससे पंगा हो गया हो, बाद में उनको पता चला हो कि आप शत्रु साहब के बेटे हैं जी, तो फिर उसके बाद भाग गए हो, ऐसा हुआ कभी? झगड़ा हुआ. अच्छा. हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे. अच्छा. तो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता था कि आप कहाँ से हो किसके बेटे हो. झगड़ा हुआ तो मतलब आपको खुद उसे मतलब हैंडल करना होता था, और ये अच्छी बात थी. आई थिंक कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पिताजी कौन है, आप कहाँ किस घर से आ रहे हैं, आपको अपने आप जिंदगी का सामना करना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ मैं इन्हीं से सीखा हूँ. अरे वाह क्या बात है. गुड वेरी गुड. सर मुबारक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकले. माँ की वजह से. सोनाक्षी से तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, और मेरी तो बहन बनी हुई है शत्रु सर. जी जी. पर आपको तीनों को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग. हम धन्य हो गए सर आपको आज शो में यहाँ पे बुलाकर. थैंक यू सो मच. वैसे अगर आप कहें तो मैं अपने परिवार की तरफ से दिल की बात कह सकता हूँ. जी प्लीज सर. और दिल की बात यह है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और आपकी पुनर्जागृति देखकर, आपका पुनरुदय देखकर उरूज पे बहुत अच्छा लगा, और इतने बढ़िया लोग आपके टीम है वहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं, और सोने पे सुहागा चार चांद जो लगाता हमारा अपना भाई, अपना प्यारा न्यारा, अपना जी. थैंक यू सर. शानदार जानदार और दमदार ये हमारा अपना नवजोत सिंह सिद्धू कमाल करता, और ऐसी ऑडियंस, ऐसा शो मैं नहीं समझता हूँ आज के दिन में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शो होगा. थैंक यू. थैंक यू सर. सत्यजी नमस्ते. पूनम जी राजे सिद्धू जी. How are you? यार कपू शर्मा what you are doing? ये क्या कर रहे हैं आप यार? आज के दिन में इंटरव्यू इंटरव्यू मत कीजिए, डायरेक्टली इलेक्शन कीजिए. इलेक्शन क्यों? अरे दोनों पार्टी आमने सामने मौजूद है, हो जाए यार. अच्छा शत्रु जी. हाँ. बहुत बड़े फैन है हम आपके. क्या हम आपके काली चरण छू सकते हैं? देखिए यार हमारा नसीब देखिए, तकदीर देखिए हमारी. हमने सर आपने रियलाइज किया बातों ही बातों में हमने आपका नसीब, तकदीर, कालीचरण, तीन पुराना पिक्चर का प्रमोशन कर दिया यार. सर अब हमने प्रमोशन कर ही दिया, हम तो कहते हैं पिक्चर को री रिलीज भी कर दीजिए, आज भी सुपर हिट होगी. वैसे पूनम जी आपको सल्यूट है. नहीं लोग शत्रु से मित्रता नहीं करते, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया. अरे यार लव जी बड़ा हैंडसम लग रहे हैं आप. धन्यवाद. अरे पूनम जी आपने साबित कर दिया कि लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं. लेकिन जब लव हुए होंगे आप कुछ तो बहुत हुए होंगे. ये लीजिए कुछ भी आ गए यार. लव एंड कुछ दोनों आ गए. मैं आपको एक बात बताऊं, जब लव कुश पैदा हुए हमें मौका ही नहीं मिला कि इनका कोई और नाम सोचे हम.
क्योंकि मनोज जी का फोन आ गया कि अरे रामायण में तो लवकुश आ गए, अब तो लवकुश के अलावा इनका कोई नाम हो ही नहीं सकता है। वाह वाह वाह। और सबने यहाँ तक यही समझाया कि लवकुश, देखो हमने सजेस्ट किया था ना, हेमा मालिनी ने यही कहा, सुनील दत्त साहब ने यही कहा, सबने कहा लवकुश लवकुश, और सब अलग मिलते थे, हमने बोला था ना लवकुश। नहीं लेकिन मनोज भैया ने बोला था कि रामायण में लव कुश आ गए। हाँ, प्यार से ही कह रहा हूँ मैं। एंड इट वाज ट्रू। खामोश, शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो आके नर्स कहती आपके घर में बहुत सारी चर्बी हुई है। नहीं चर्बी का, हम एक्चुअली ना से आटा पैदा हुए थे। हमारी माँ ने गूंद गूंद के हमें मनुष्य बनाया, वरना एक्चुअली हमारे पराठे बनने वाले थे। बेकार का बात करता है। चर्बी कैसे पैदा हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं यार। जैसे लव जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था, आपका शादी हुआ नहीं है लेकिन जब भी शादी होगा ना लव मैरिज कीजिएगा, वरना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि लव ने अरेंज मैरिज किया है। लव से कहीं भरोसा ही ना उठ जाए, लव ने भी अरेंज मैरिज कर लिया। एक चीज की आपने शादी के बारे में पूछा मुझसे, मैं कहना चाहूंगा कि शादी जब होगी मेरी जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे पिताजी से कि शादी के पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, और शादी के बाद भी क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा। ट्रेनिंग अच्छा मिला है। बच्चा तेरा हो गया, चल निकल। नहीं तेरा नहीं, हमारा 11 हुआ है। 13 में 2 साल बाकी है विद। सर हमारे 11 बच्चे हैं आपकी दुआ से, हमारी मेहनत से। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस सर यही चाह रहे थे कि आप लोग ना हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दें, तो इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वाह, 11 बच्चे से तुझे शर्म नहीं आती? नहीं हमको तो मजा आता है। बच्चे क्यूट होते हैं यार, तो अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वैसे सर सच बताएं मैम, हमारा एक ही बच्चा था, हम उसको स्कूल में भेजे, स्कूल से रोज रोज फोन आया कि बबच्चे पे ध्यान दो, हमने ध्यान दिया तो 10 और आ गए। क्या करें, नॉट इन माई हैंड यार। वैसे लेकिन इनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, हमने उनको अभी गार्डन में घूमने भेजा है, भाई ले आओ यार। हमारे 4 बच्चे हैं, ये बच्चों के नाना हैं। नाना नमस्ते। अरे नहीं भाई, इतना इज्जत देने का जरूरत नहीं है, वो वाले नाना नहीं है। तो कौन से? अरे वो क्या एक नैनी होता है ना बच्चों को, मिली नहीं तो हमने नैना रख लिया। नैना हो गया भाई आपका, चलो थैंक यू। अरे अरे हाँ जी, इतना प्यार नहीं दिखाना। देखिए यार हमारे 4 बच्चे, सर हम इनका नाम रखते हैं, ये जो है ये चप्पल गंजू है, ये विश्वनाथ है, ये तीसरी आंख ये कालीचरण। सर को हेलो बोलो बच्चों, हेलो बोलो। नहीं सर आपके बहुत बड़े फैन है इसके लिए खामोश। वैसे कप्पू शर्मा आप एक ऐसा गोद में लेना चाहेंगे? हटना, मैं नहीं लूंगा, तू संभालना। कहीं सुसु कर दिया तो? नहीं सुसु नहीं करेगा, सुसु ये सिर्फ शाम को करता है। शाम को क्या, तूने अलार्म सेट करके रखा है इसका? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि शाम को पूरे मोहल्ले में खाना बनता है ना, तो कुकर की सीटियां बजती है, और सीटियों की आवाज सुनता ही इनकी टूटियां खुल जाती है। ओए इतने मिलवा दिया अपने बच्चों को, चलो जा, चलो आशीर्वाद के लिए लेकर आए हैं। वैसे सर एक से एक नॉटी बच्चा है, जो चप्पल गंजू है यहाँ पे, अजीब अजीब सवाल पूछता है हमसे, कहता है कि पापा 1 साल सो नहीं आया, हम कैसे आ गए? तो तूने बताया नहीं बेटा शो बंद था, मैं नहीं। सर ये कप्पू शर्मा आप एक काम कीजिए, हाँ। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप खामोश लीजिए। सर हम बता रहे हैं जो चप्पल गंजू है बहुत ही नॉटी है सर, सारा दिन अंगूठा चूसता रहता है। तो उसमें क्या है, सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसमें? हाँ, लेकिन खुद का चूसते ना यार, कालीचरण का चूसता है यार।
चूस चूस के कालीचरण का पूरा अंगूठा खत्म कर दिया यार। कालीचरण को चूसना होगा तो क्या चूसेगा यार। इनके बारे में सोचा है आगे जाके क्या करेंगे ये? हाँ, हमने इसके बारे में सोचा है। अरे जो तीसरी आंख है ना, ये सिन्हा फैमिली का हिस्सा बनेगी, ये बड़ी होके बनेगी सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे क्यों? क्योंकि इसे थप्पड़ से डर नहीं लगता। बच्चा, तेरे बच्चे इतने शरारती हैं, तो तुझे स्कूल वाले बुलाते नहीं है पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नहीं नहीं, हम पेरेंट मीटिंग ढकोसला है यार। सर ये पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है? हम गए वहां पर तो अभी हम बच्चे के पेरेंट्स तो आ गए हैं, टीचर के पेरेंट्स आए नहीं। नहीं मतलब टीचर को कंप्लेन करना है बच्चे का तो हमसे बात करते हैं, हमें टीचर का कंप्लेन करना है किससे बात करें? अच्छा, गुड बॉय, गुड बॉय। इतना गुरूर है टीचरों में, पेरेंट्स को भूल गए यार, बुलाते नहीं है। बहुत प्यारे हैं बच्चा। ये हम ऐसा इनका ये ग्रो करके रखे हैं यार, क्या भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हम तो चोटी पकड़ के खींच लेते हैं यार, मिल गए। बच्चा चल अभी इनको एक वो करके दिखा, वो जो दूरी एग्जिट होती ना। चले तो हम जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ कमी सा महसूस होगा फिर। जॉक्स जॉक्स। अरे सर सर आओ बता दो आज। देखिए सर, अब डिमांड किया है तो एक जॉक सुनाना पड़ेगा। सुनाए सर। बिल्कुल ठीक है। एक बार ना लव और कुछ जंगल में जा रहे थे, खड्डा आया, लव उसमें गिर गया। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। गिर गया यार, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ भी उस खड्डे में कूद गया। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। सर बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, हम लगते हैं। थैंक यू भाई। शत्रु सर, आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, सो हमें इतनी खुशी है कि हम सब कलाकारों ने मिलकर आपके लिए एक छोटा सा जो है ट्रिब्यूट तैयार किया है। सो प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ देखेंगे। चले को आग कहते, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शाम का आए तो कह देना कि छैनू आया था। बहुत गर्मी है अगर खून में, तो बेशक मैदान में आ जाए। अपने लाशों से हम तारीख को आबाद रखेंगे, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखेंगे। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जिसे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। शत्रु सर, ये हम सब कलाकारों की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट था आपके लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। Fantastic. और सर, बहुत देर से इंतजार था कि आप हमारे शो में आए। आपने, पूनम मैम ने, लव ने चार चांद लगा दिए, चार चांद नहीं बल्कि ढेरों चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन सर। थैंक यू। हैम्पर लेके आओ चतुर सर। ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, और ये हम चाहते हैं कि आप उनको दें जिन्होंने आपके डायलॉग्स जो थे वो अलग अलग भाषा में बोले थे। सिंधी में सबसे बेस्ट लगेगा ही लगेगा। आइए मैम, आइए। सर ये आप अपने हाथ से। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, वंडरफुल। देखिए, अच्छा दीजिए ना पहले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी रोप डाल दिया पूरा। देखा कितना डरता हूँ मैं। एक बार सिन्हा परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर।
इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे. आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. गुड नाइट, शब खैर. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.